नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा पर लाइव प्रसारण के माध्यम से बच्चों को बोर्ड परीक्षा के पहले तनाव मुक्त रहने और आदि को लेकर संबोधित किया है। वहीं इस कैंप पब्लिक स्कूल में आयोजित पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे लाइव प्रसारण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित को सुनने के लिए कस्बा गुलवठी के मूल निवासी चर्चित राज्यसभा सांसद बता दें कि गुलावठी के मूल निवासी चर्चित राज्यसभा सांसद और उद्योगपति सुरेश सिंह नागर पहुंचे थे और इस दौरान पीएम मोदी का लाइव प्रसारण को स्कूल के बच्चे सहित नगर की जनता आदि ने भरपूर आनंद से लेते हुए सुना है। और इस दौरान बता दें कि SES मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलावठी में भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसको लेकर बच्चों में एक अलग उत्साह देखने को मिला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से परीक्षा पे चर्चा को लेकर आज लाइव प्रसारण किया है, इसको लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस दौरान बुलंदशहर के तमाम स्कूलों में इसका लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया और इस दौरान उनको किस तरीके से परीक्षा में तनाव मुक्त रहा जाए इसके बारे में जानकारी दी गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड MLC चुनाव को लेकर शिक्षकों से बातचीत की है। साथ ही MLC प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को जिताने के लिए शिक्षकों को अपील की है। वहीं उरई के अमन रॉयल गार्डन में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जनपद के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षा कार्यक्रम में पहुँचे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आज जनपद उन्नाव पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने उन्नाव के कानपुर खंड निर्वाचन क्षेत्र के हो रहे स्थानक MLC और साथ ही शिक्षक MLC चुनाव को लेकर बैठक की है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने शिक्षक संगोष्ठी में शिक्षकों से संवाद किया है। आपको बता दें कि BJP ने अपने उम्मीदवारों और प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया और अरुण पाठक के समर्थन में ताकत झोंक दी है। उन्नाव कानपुर सीट में 30 जनवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर BJP ने ताकत झोंक दी है। और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने शहर के नंद नवन पार्क में आयोजित शिक्षा गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर डिप्टी सीएम ने शिक्षकों और बता दें कि स्थानक मतदाताओं को के साथ बैठक की है। और इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मतदाताओं से अपील करते हुए BJP प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। यह आज शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक भाई बहन और स्नातक क्षेत्र के मतदाता भाई बहन इकट्ठा हैं। मैं सबसे अपने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अरुण पाठक जी, जो स्नातक क्षेत्र से हैं, और भदौरिया साहब, जो हमारे शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, दोनों को जिताने के लिए, अपील करने के लिए हम आए हैं। और सबसे अनुरोध करते हैं कि इनको प्रचंड बहुमत से जिता करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन और साथ ही पुलिस अधीक्षक प्राचु संघ ने मतदान स्थलों का निरीक्षण करते नजर आई हैं। इस दौरान इकोना, जमुनहरा और तहसील भिनगा पहुंचकर उन्होंने मतदान स्थलों की तैयारियों का जायजा लिया है। और आपको बता दें कि 2337 मतदाता 31 जनवरी को मतदान करेंगे और इस दौरान 3 जोन 5 सेक्टरों में जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस उपाध्यक्ष स्तर पर अधिकारी की निगरानी होगी। और इस दौरान बता दें कि इस निरीक्षण किया गया है और साथ ही तमाम जितने भी मतदान स्थल है उन जगहों का निरीक्षण करते हुए नजर आई है प्राचु से। अलीगढ़ हमेशा से ही विवादित बयान और विवादों को लेकर चर्चाओं में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बता दें कि VS चांसलर
तारिक मंसूर द्वारा तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के कुछ ही देर बाद एएमयू के छात्रों ने वाइस चांसलर के मौजूदगी में अल्लाहू अकबर के नारे जमकर लगाए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो में दर्जनों से अधिक छात्र जमकर नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जगह नारेबाजी हो रही है वहां कुछ ही दूर पर वाइस चांसलर तारिक मंसूर भी मौजूद थे। देश में हर ओर गणतंत्र दिवस की कल धूम देखने को मिली है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र विवादित नारे लगाकर वादों से और घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान बता दें कि एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वीडियो एनसीसी के छात्रों का वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उनमें पढ़ने वाले छात्रों से संबंधित है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन को वीडियो को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। एएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। मामला यह है कि प्रोग्राम हमारा पूरा खत्म हो चुका था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे, उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है, लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके ख़िलाफ़ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरीके की ये चीज़ें होना, ये मतलब क्या? देखिए, ऐसा है कि एमयू के तकरीबन 100 से ज़्यादा एमयू के अंदर जो है जो जितने भी फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, वो मनाए जा रहे हैं। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी जितने भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उनको पूरी आन बान शान के साथ और पूरी मर्यादा के साथ मनाती। दी अर्बन ऑपरेटिव बैंक चुनाव में आज प्रदेश के कीर्तिमान स्थापित किए हुए एम आज़ाद अंसारी चौथी बार निर्विरोधी रूप से बैंक के चेयरमैन चुने गए हैं, जबकि रेखा मित्तल को उपसभापति चुना गया है। चेयरमैन चुने जाने के बाद एम आज़ाद अंसारी ने सभी का आभार व्यक्त किया है जो विश्वास उन पर बताया गया है, वहीं उसे भी टूटने नहीं देंगे उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पद नहीं जिम्मेदारी मिली है। चेयरमैन बनने पर एम आज़ाद अंसारी को लोगों द्वारा बधाई दी जा रही है। आज दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सहारनपुर का जो चुनाव संपन्न हुआ है, और मैं सबसे पहले उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने सभी संचालक मंडल और सभी अंशधारकों का भी उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर से मुझे देने का काम किया है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा पूरा बोर्ड निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। मथुरा कलेक्टर स्थित सभागार में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के योजना अंतर्गत जनपद मथुरा के मधोवी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन करते हुए जनपद मथुरा के लगभग 21 छात्र छात्राओं को हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को जिला अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है। कलेक्टर सभागार में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौन क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं, जहाँ उनके द्वारा मेधावी
सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप सम्मान पत्र और नगद धन राशि देकर सम्मानित किया गया है। वहीं विधायक राजेश चौधरी द्वारा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। इस दौरान हुई बातचीत में जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा के चलते मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया है, जहाँ उन्हें मेडल, पुरस्कार, लैपटॉप, नगद धन राशि और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है, ताकि आने वाले समय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन मिल सके। वहीं विधायक राजेश चौधरी का कहना है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति काफी प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त हो। वहीं गोरखपुर में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, फिट रहने और उनके प्रोत्साहन के उद्देश्य से खेल कूद को लो संकल्प और स्वस्थ रहने के यही है विकल्प स्लोगन के साथ गोरखपुर के क्षेत्रीय कीड़ागन में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया है। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आए हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे। और इस अवसर पर सांसद रवि कृष्ण ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, देश और प्रदेश की जनता को फिट रखने की प्रक्रिया इन दिनों खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि जिस तरह से चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देश ओलंपिक और अन्य खेलों में पदक लाते हैं, उसी तरह भारत के खिलाड़ी भी अधिक से अधिक पदक लाए। वहीं श्रावस्ती में भी एक और फर्जी अध्यापक गिरफ्तार हुआ है। दरअसल ये फर्जी अध्यापक दूसरे के कागजात पर फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था। वहीं ये विद्यालय हरिपुर पुरानी ब्लॉक के बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में से तैनात था, जिसके बाद से फर्जी अध्यापक को भिनगा कोतवाली पुलिस ने गरगौर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार घायल हो गया है। हेलमेट लगाने के दौरान बता दें कि हेलमेट लगाए होने की वजह से ही उसकी जान बच पाई है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वही अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सड़क हादसे में लाइव सीसीटीवी तस्वीरें कोतवाली शाहबाद इलाके एक पेट्रोल पंप के सामने आई है, जहां पर बाइक सवार अपनी साइड से सड़क पर जा रहा था और इसी दौरान अचानक सामने आ रही वैगनार कार गलत दिशा में आई और बीच सड़क पर खड़ी हो गई। तेज रफ्तार से वजह से बाइक सवार वैगनार कार से टकरा गया है और टकराने के बाद हवा में उछल गया और इस दौरान वैगनार कार की दूसरी तरफ जा गिरा। बता दें कि बाइक सवार हेलमेट लगाए हुआ था, जिसके वजह से वे बाल बाल बच गया। इस हादसे में घायल राजकुमार निवासी कटारपुर थाना पिनाही के उनके रिश्तेदार रोहित इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब खबर कासगंज से है, जहां पर जीएस की जमीन पर कब्जा लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई है, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान दबंगों ने पथराव और कई राउंड की फायरिंग की है। वही पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पथराव फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सहित भारी पुलिस बल पहुंचे हैं और वही पथराव फायरिंग के बाद गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अब खबर आगरा से है, जहां पर 6 मकानों के गिरने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से घटना के कुछ ही घंटे में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मशाला का मालिक और साथ ही बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान मेहरा और हरीश शर्मा जिनका नाम है उनको गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद से आक्रोशित महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा है। घटना स्थल से बाहर सिटी स्टेशन रोड पर जाम लगाया गया और निःशुल्क इलाज की मांग करते हुए अस्पताल पर बता दें कि अस्पताल के पैसे दिए जाने की भी मांग की जा रही है। और इस दौरान बता दें कि 6 मकान गिर गए हैं, जिसकी वजह से लगातार वहां के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ ही वे
तमाम तरीके की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी भी गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो घायल व्यक्ति है अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज के भी पैसे दिए जाए। महाराजगंज जनपद के परसा मालिक थाना क्षेत्र में एक गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते 10 महीने के मासूम की जान चली गई है। दरअसल झगड़े के बाद पति ने अपने ही मासूम बेटे को पटक पटक के मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पुलिस ने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विभिन्न बता दें कि गंभीर धाराओं में उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 तारीख 2023 को थाना परसा मलिक अंतर्गत ग्राम झिंकी में एक पिता द्वारा अपने 10 माह के बच्चे को सड़क पर पटक कर मार दिए जाने की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना परसा मलिक को 25/1/2023 को एक अभियोग धारा 302-504 IPC में पंजीकृत किया गया था। इसके संबंध में अवगत कराना है कि आज अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है और जिसका साक्ष्यों के संकलन करते हुए गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। और ये बता दें, ये मामला जहां पर पति पत्नी के झगड़ा के बाद उनके ही बेटे को पति ने मौत के घाट उतार दिया है। और इस दौरान बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर पति ने बेटे को पटक पटक कर मार डाला है। और महाराजगंज जनपद में का ये मामला है जहां पर पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते 10 महीने की मासूम की पति ने जान ले ली है। इसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में जेल में भेजा गया है। और इस दौरान बता दें कि ये मामला जहां पर पति पत्नी के बीच मामूली झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के कारण गुस्से में पति ने बेटे को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग के ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। इस दौरान बुजुर्ग का शव रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ मिला है। वही सूचना मिलते ही GRP पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुजुर्ग युवक बता दें कि बुजुर्ग थाना मऊ दरबार क्षेत्र हैबत का बताया जा रहा है। और इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बुजुर्ग के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मामला कामगंज कोतवाली क्षेत्र के लालपर चीनी मिल का बताया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि यहां पर एक बुजुर्ग का शव मिला है रेलवे लाइन पर, जिसके बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और साथ ही बता दें कि बुजुर्ग के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और संदिग्ध परिस्थिति में इस बुजुर्ग की मौत हुई है। ट्रेन रेलवे लाइन पर इनका शव बरामद किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।